गाइस, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं जेड पॉइंट मैजिक ट्रिक्स। आज आपके लिए ऐसे मैजिक लाए हैं जिसको आप देख के बिल्कुल हैरान देंगे। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको एबीसी एक मैजिक सिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब उसी तरीके में आपके लिए मैथ मैजिक बनाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई सा मैथ का वो नंबर सोच सकते हैं, जैसे 514, 515, 400, ऐसे कोई सा भी अल्फाज सोच सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका माइंड रीड करेंगे, उसका जो अल्फाज ने सोचा होगा पूरा वो हम उसको बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर प्रेस कर लेना। चलो हम इस मैथ को पहले सीख लेते हैं, ताकि इसको हमारे पास कोई ऑडियंस दिखाने के लिए है नहीं, तो एक बार हमारी कोई ऑडियंस आ नहीं गई, जो हमारा भाई भी गया पढ़ने, तो इसलिए आपको सिखा देता हूँ जिस तरह मैंने आपको सिखाया था वो वाला मैजिक है उसी तरह। अगर आपने एबीसी वाला मैजिक नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो हम आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, फिर हम इसमें सारा कुछ समझा देते हैं। तो मिसाल के तौर पर बंदा है, इसमें कोई सा भी एक नंबर सोच ले, नंबर नहीं मतलब कोई पूरा एक अल्फाज, जैसे 540, वो एक आपने उसको पेज देना, उस पर लिख लेगा और पर्ची बंद करके अपने जेब में रख लेगा। ठीक है, आपको नहीं बताएगा। ठीक है, आपने सिर्फ उससे इतना पूछना है कि इसमें कितने अल्फाज हैं। ठीक है, कितने अल्फाज हैं, आपने कहना है इसमें 3 अल्फाज हैं। वो आपने उसे पूछना है कितने अल्फाज हैं, वो कहेगा 3 अल्फाज। जैसे ये देखो, 1 5 4 3 4 0, कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, 3 अल्फाज हो गए। आपने वो आपको कहेगा 3 अल्फाज हैं इसमें। तो आपने पूछना है वो जो पहला अल्फाज है वो किस लाइन में है, इस लाइन में है, जैसे इसमें 0 और 5 है। ठीक है, इस लाइन में, ठीक है, ये 0 और 5, वो कहेगा इसमें पहला लफज है। तो आपने उसमें लिख देना 1, ये याद रखना 1 ज़रूर लिख देना। फिर आपने उससे पूछना है जो आपका दूसरा लफज है वो इस लाइन में है, वो कहेगा नहीं। फिर आपने पूछना वो इस लाइन में है आपका दूसरा लफज, वो कहेगा नहीं। इसमें आपको कोई 4 दिख रहा है, वो आपको बताएगा नहीं कि मैंने 4 सोचा है तो इसमें 4 नहीं है। आपने उससे ये नहीं पूछना, इसमें ये पूछना है कि इसमें जो आपका दूसरा लफज है वो इस लाइन में है कि नहीं, वो कहेगा नहीं। इसमें कोई 4 है वैसे, नहीं है, तो इसमें भी कोई 4 है नहीं है। आपने उससे ये पूछना आपका दूसरा लफज इसमें है, वो कहेगा है, ताकि इसमें 4 है, तो आपने इसको लिख देना 2। ठीक है, फिर आपने 0 देख लिया, आपने इसको कह देना जो आपका तीसरा लफज है वो इस लाइन में है, वो कहेगा है, तो आपने इस पर क्या लिख देना है, 3। ठीक है, आपको भी कुछ भी नहीं पता, तो आपने तीन लाइनों से क्या करना है, ये आपको 0 दिख रहा है, पहला लाइन दिखे तो हम इसको पहले उतार लेते हैं, 5 और 0। ठीक है, मैंने उतार लिया। और अब दूसरी लाइन का क्या है अल्फाज है, 4 और 9, 4 और 9। और तीसरी लाइन का क्या अल्फाज है, 0 और 5, 0 और 5 को यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसको हम ऐसे लाइने लगा के थोड़ा सा बॉक्स में रख देते हैं। तो आपने उससे सिर्फ इतना पूछना कि जो आपका पहला अल्फाज है वो इस लाइन में है, नहीं है, ताकि 5 इसमें है, 5 तो नहीं है इसमें। तो आपने सिर्फ उससे ये पूछना इसमें आपका पहला अल्फाज है, वो कहेगा नहीं है। तो आपने दूसरी लाइन पूछना आपका इसमें पहला अल्फाज है, वो कहेगा है, तो आपने उस पर क्या लिख देना, 1। ठीक है, फिर आपने दूसरा लफज पूछना है आपका दूसरा लफज इसमें है, वो कहेगा है, तो आपने इस पर 2 लिख देना है। फिर आपने इससे पूछना है कि इसमें तीसरा लफज है, वो कहेगा नहीं है। आपने पूछना इसमें तीसरा लफज है, वो कहेगा है, तो आपने 3 इस पर लिख लेना है। आसान था मैजिक, बिल्कुल आसान था। फिर आपने एक मैजिक करना है, एक ट्रिक करना है कि जिस पर 1 लिखा है, 1, तो 1 पे इस लाइन, 1 की लाइन जिसे 1 है ना, ये लाइन देखे, 1 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 नंबर है ना, 1 2 3। अगर यहाँ पे 3 लिखा तो हम 3 तीसरा लफ देखते, तो ये देखो 2 1 लिखा, 1 पे क्या है, 1 बॉक्स में 5 लिखा हुआ, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, आपको अभी तक पता नहीं होगा, वो तो हमने छुपा के लिखेगा ना। फिर आपने देखना दूसरा लफज, दूसरे लफज आप दूसरा, ये 2 लिखा हुआ है, 2 पे क्या आ रहा है, 1 और 2, 2 पे क्या आ रहा है, 4, फिर 4 लिख लिया है। फिर आपने तीसरा लफज देखना, उस पर देखना क्या लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा होगा, 3, ये देखो 3 है, 1 2 3, फिर 0 लिखा हुआ है,
इस समय सारा किसी का नंबर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर प्रेस कर देना।